अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वालेकुम अस्सलाम हाँ, मैम। अच्छा जी बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस पिक्चर। आई फाउंड दिस पिक्चर वेरी इंट्रीगिंग। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो, बट इफ वी लुक in the past and if we see that we have moved on with the technological advancement to the present and this especially this era in which you are living, the technological advancement is very fast and very efficient. So the main point of this picture is that In the past, we were using different basic techniques and basic technologies. But in the present, we have technological advancement. And in order to live in this present era, or in order to survive in this era, you need to upgrade your skills. Right? So, this example, we take our teaching मेथड के। पहले आप लोग जो है वो क्लासरूम्स में आके लेक्चर्स लिया करते थे, बट नाउ यू कैन जस्ट टेक एन ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम योर होम। सो विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव आई बिलीव दैट वी ऑल हैव अपग्रेडेड आवर स्किल्स बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो जो ये न्यूट्रोजेनोमिक्स है, बेसिकली न्यूट्रोजेनोमिक्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आउटकम है और एक प्रोडक्ट है, ठीक है? क्योंकि जीन लेवल के ऊपर फाइंड आउट करना कि आपके बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा टूवर्ड्स एनी न्यूट्रिएंट, या न्यूट्रिएंट जो है वो किस तरह से जाके आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इस लेवल के ऊपर स्टडी करना, ये जो है एक एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। और इंशाल्लाह जो आगे की एज है, यू विल ऑब्जर्व के आगे की एज और आगे की आपकी स्पेशली आपकी प्रैक्टिस में, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यू विल ऑब्जर्व के जो न्यूट्रोजेनोमिक्स है और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है, इसको प्रमोट किया जाएगा और इसको ये ज़्यादा फेमिलियर और एप्लीकेबल मेथड ऑफ प्रैक्टिस होगा एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल मेथड जो कि आजकल फॉलो होता है सिंपल डाइट प्लान का, जिसमें हम जनरल डाइट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा बच्चों, आप लोगों ने कल का लेक्चर लिया होगा, ठीक है? इट वॉज अबाउट द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड हाउ न्यूट्रोजेनेटिक्स एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स कैन हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। सो इट वॉज जस्ट एन ओवरव्यू कि आपकी ये जो फील्ड है ये किस तरह से आगे जाके जो है इम्प्रूव होगी और किस डायरेक्शन में जा रही है बेसिकली। सो अगर हम ट्रेंड को देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है अभी न्यूट्रोजेनोमिक्स के ऊपर एज सच कोई रिसर्चेस नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली देखें तो इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं और स्पेशली जो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारी फील्ड में। और कल के जो स्पीकर थे ही वाज फ्रॉम इंडिया, सो यू कैन हैव एन आइडिया के इंडिया में जो है इस फील्ड में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट अगर हो सकती है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अगर आप लोग जो है कोशिश करें, क्योंकि बिकॉज यू आर दी वन जो कि आगे फ्यूचर है। तो अगर आप लोग जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट लें और इसको एक्सप्लोर करें तो आई बिलीव दैट देयर इज अ वेरी बिग रूम ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड। ऑलराइट, इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू टू स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ न्यूट्रोजेनोमिक्स एंड द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन इन फीटल जीन एक्सप्रेशन। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी बोले मैम, जो आपने क्विज का बोला हुआ है कि सिनेरियो बेस्ड क्विज है, मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी सी क्लियर क्लियर बच्चे लाउड में बोलो कि मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैम मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने जो
क्विज अनाउंस किया हुआ है सिनेरियो बेस्ड, काइंडली आप उसकी थोड़ी सी में प्रैक्टिस करवा दें फर्स्ट 5 लेक्चर्स में से। हमें हमें नहीं पता चलता कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का काफी टफ लगते हैं, तो ये इतना इजी नहीं होता। लास्ट सेमेस्टर में भी इसी वजह से हमारे मारिया, ग्रेड। मारिया कैन यू टाइप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स, मुझे आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है। ठीक है, हम लेक्चर शुरू करते हैं। आप साथ चैट बॉक्स में लिख दो, मैं बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप क्या जो भी क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस करूंगी। ठीक है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई डोंट वांट के बीच में जो है ना भी डिस्कशन। So let's begin with the topic of our lecture. It is about the influence of maternal nutrition in fetal gene expression. तो आज के लेक्चर में आप लोग ये देखेंगे कि मेटरनल न्यूट्रिशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल है फॉर द फीटल जीन एक्सप्रेशन या डेवलपमेंट ऑफ द फीटल जीनोम। We will start from the concept of fetal programming. So now, fetal programming kya hai? It is also known as the prenatal programming. Prenatal means before birth. So fetal programming jo hai, wo before birth hoti hai, aur definitely before birth ho rahi hai. To jo ye dependent hai on the maternal nutrition or the environment surrounding the fetus. So according to this theory, it suggests that the environment surrounding the fetus during its developmental phase plays an important role in determining its risk of disease during the later stages. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कि फीटल कॉन्सेप्ट एक फीटल प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, और इसके अकॉर्डिंग फीटस के सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट होगा और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल एज या क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ जो भी सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में आपके पास स्टिमुलस होगा या न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन डिटरमिनिंग द रिस्क ऑफ अ डिजीज। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में कवर की थी कि जैसे आप हम देख रहे हैं कि जो मेटरनल न्यूट्रिशन है इट लीड्स टू द चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो बेसिकली जो मेटरनल न्यूट्रिशन है वो जीन लेवल के ऊपर स्पेशली जो फीटल जीनोम है वो उसको रेगुलेट करने में या उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और फिर उसकी वजह से डिजीजेस का रिस्क होने के चांसेस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द मेजर फैक्टर फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द फीटस व्हिच ऑल्टर्स द फीटल जीनोम एंड इट हैज लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस एंड दिस इज नोन एज फीटल प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, समझ आ गया व्हाट इज फीटल प्रोग्रामिंग? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज फीटल प्रोग्रामिंग? यस मैम, आप क्या समझ आई है मैम? जो बिफोर बर्थ मेटरनल न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स होती है उसकी वजह से जो लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उन्हें फीटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर मदर चाहते हैं तो चाइल्ड ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो स्पेशली हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो जो है डायरेक्टली रोल प्ले करती है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में। सो देयर वाज अ रिसर्च व्हिच वाज डन ऑन द रैट्स एंड माइस एंड इट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट मेटरनल न्यूट्रिशन इंड्यूसेस द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। सो नाउ व्हाट आर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस? बच्चों आज के लेक्चर को आप नोट डाउन कर लें साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं? जो जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल टाइम, जीन के एक्सप्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं,
ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो न्यूट्रोजेनोमिक्स को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट जो है वो एपिजेनेटिक्स का है। ठीक है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स हम बेसिकली न्यूट्रोजेनोमिक्स जो है वो एपिजेनेटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं। तो एपिजेनेटिक्स इज अ स्टडी विच एनालाइजेस एंड स्टडीज द मैकेनिज्म विच रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वी हैव डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन होती है, और नॉन कोडिंग आरएनए रिलेटेड जीन साइलेंसिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च देयर इज एन एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के मेटरनल न्यूट्रिशन जो है वो इंड्यूस करी है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन विच इज लीडिंग टू द फिनोटिपिकल चेंजेस एंड इट इम्पैक्ट्स द पोस्टनेटल बॉडी वेट एंड स्कल साइज। फिनोटिपिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो फिजिकल ट्रेट्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, आपका स्किन कलर है, आई कलर, हेयर कलर, ये जो जितने भी फिजिकल ट्रेट्स हैं ये फिनोटिपिकल चेंजेस हैं। तो और जीनोटिपिकल चेंजेस वो होते हैं जो आपके जीन के एक्सप्रेशन में या जीन की सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस फिनोटिपिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए और ये देखा गया कि जो मेटरनल न्यूट्रिशन है वो पोस्टनेटल बॉडी वेट, पोस्टनेटल मींस आफ्टर बर्थ, सो आफ्टर बर्थ जो फीटस का या इन्फेंट का बॉडी वेट है और स्कल साइज है, दीज वर द टू पैरामीटर्स व्हिच वर रिलेटेड विद द मेटरनल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल इंसर्ट मे लीव अ परमानेंट मेमोरी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल इंसल्ट का मीनिंग क्या है कि बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन या एनी काइंड ऑफ मिस यूज ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, इट माइट लीड और इट माइट हैव अ परमानेंट मेमोरी थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है आपके न्यूट्रिएंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से आपके फिनोटाइप्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ परमानेंट चेंजेस आए। इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो आगे जाके बाई द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे यूज ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स है वो आपके फीटस के ऊपर जो है वो एक उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और इसके अलावा उसका एक परमानेंट इफेक्ट हो सकता है। फिनोटिपिकल परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या अगर मदर जो है वो यूज कर रही है कोई भी ऐसे ड्रग्स। ठीक है, देयर वाज अनदर स्टडी विच वाज डन ऑन द शीप। सो बेसिकली ये रिसर्चेस जो हैं इन सपोर्ट ऑफ द टॉपिक ऐड किए गई हैं जैसे जो न्यूट्रिशन मेटरनल न्यूट्रिशन है वो इफेक्ट कर रही है फीटल जीनोम को। पहली वाली रिसर्च जो है वो रैट्स और माइस पे हुई हुई थी, अब ये वाली रिसर्च जो है वो शीप्स पे हुई हुई और कैटल्स पे हुई हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च मेटरनल न्यूट्रिशन इफेक्ट्स द बॉडी कंपोजिशन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ग्रोथ रेट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उस स्टडी में देखा गया था कि फिनोटिपिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि स्कल साइज चेंज हो सकता है, बॉडी वेट चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो है इस स्टडी में ये देखा गया कि ग्रोथ रेट, बॉडी कॉम्पोजिशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी, इवन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दीज फोर फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स दे वर रिलेटेड विद द मेटरनल न्यूट्रिशन। During the innate pregnancy, overnutrition can lead to an overexpression of genes regulating the adipogenesis and lipogenesis in the fetal fat tissue or in sheep. तो ये इसी study की findings हैं और इसमें ये देखा गया कि overnutrition जो है वो lead करती है overexpression of the adipogenesis or lipogenesis. Adipogenesis क्या है? Adipocytes यानी कि जो fat cells हैं उनकी formation, और lipogenesis क्या है? Lipid की फॉर्मेशन या फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन इन द फैट टिश्यू, और इसकी वजह से इट माइट लीड एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड एडिपोसिटी इन द एडल्ट लाइफ एंड इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीवीडी एंड हाइपरटेंशन इन एडल्टहुड। ठीक है, तो अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ओवर न्यूट्रिशन से सीवीडी और हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ड्यूरिंग द एडल्टहुड। ठीक है,
और इसके अलावा एडिपोसिटी भी इंक्रीज हो सकती है और ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है वो भी इम्पेयर हो सकता है विद द ओवर न्यूट्रिशन। सो व्हाट्स द आउटकम ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन? तो अगर हम समराइज करें या कंक्लूड करें कि मैटरनल न्यूट्रिशन से ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है या आउटकम क्या हो रहा है, तो मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो ऑल्टर कर रही है फीटल जीनोम को, उसकी वजह से फीटल न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इफेक्ट होता है एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंटल एडेप्टेशन। नाउ डेवलपमेंटल एडेप्टेशन इज अगेन अनदर कॉन्सेप्ट and it basically refers to the ability of an organism to modify its phenotype in response to the environmental exposures over the course of growth and development. theek hai, isko agar hum break down kare, developmental means ke during your developmental phases of life, adaptations means ke during the different period of time ya over the course of time आप जो है आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर रही है, फिनोटिपिकली आप अडेप्ट कर रहे हैं विद द एनवायरमेंटल स्टिमुलस या सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि अगर आपकी डाइट में कोई भी डेफिशिएंसी हो या एक्सेसिव इनटेक हो तो आपकी बॉडी जो है ड्यूरिंग योर डेवलपमेंटल फेजेस अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो ऐसे है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन का अगर हम बॉडी कॉम्पोजिशन देखें और हम यूरोपियन पॉपुलेशन की बॉडी कॉम्पोजिशन देखें तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे फिनोटिपिकल ट्रेट्स जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको डेवलप करने में। हमारी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करती है। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन? इट इफेक्ट्स द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? इट रेफर्स टू द केमिकल चेंजेस विद इन द बॉडी, फॉर इंस्टेंस अ चेंज इन हार्मोन फंक्शन। तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर। अब परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर जो है उसके एग्जाम्पल हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है। ठीक है, आपकी ग्रोथ रेट जो है वो हाईली डिपेंडेंट है आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसी हो या आपका एनवायरमेंट जो है वो सपोर्टिव ना हो जो कि ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ को सपोर्ट करे तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। एंड लास्टली द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आपके बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिपेंडेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और स्पेशली जो आपके मेटरनल न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इन डिफाइनिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑफस्प्रिंग। As a result of and the last point repeat karte hain please. ठीक है बच्चों, इस last point को आप ऐसे देख लें कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका metabolism जो है वो fast होता है और कुछ लोग जो है वो slow metabolizers होते हैं। ठीक है, इस metabolism को at times जो है वो for example caffeine के का metabolism जो है कुछ लोग जो है वो स्लो कैफीन मेटाबोलाइजर्स होते हैं, कुछ लोग फास्ट कैफीन मेटाबोलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये डिपेंडेंट है मैटरनल न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। ठीक है, जितना एक्सपोजर होगा कैफीन का उस पर ये डिपेंडेंट होता है कि आगे ऑफस्प्रिंग में और जनरेशन में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका डिफाइन करता है, आपके बॉडी वेट को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ओवरऑल डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन जो है वो भी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट होती है। तो ये कुछ फैक्ट जो जो इस वक्त मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि जो मैटरनल
न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये दोनों मिल के डिफाइन करते हैं और इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के या फ्यूचर जनरेशन के मेटाबॉलिज्म को, उनकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, इसके अलावा उनके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करते हैं। So as a result of these developmental shifts and adaptation, it might influence the individual metabolic, endocrine, cardiovascular system in the adult life. So ये जो आपको statements नजर आ रही हैं ये basically research articles से उसकी major findings को copy paste किया गया है discuss करने के लिए कि जो maternal nutrition है वो overall आपके लाइफ को या आपकी फ्यूचर लाइफ को प्रिडिक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम देखें कि इसकी वजह से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है, जो हार्मोनल सिस्टम है, इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन द मेटरनल न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंटल एडेप्टेशंस। और ये जितने भी चेंजेस हैं इन सिस्टम्स में ये ड्यूरिंग द एडल्टहुड जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एट बर्थ ओवर न्यूट्रिशन, अगर मेटरनल ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एट बर्थ जो है वो बॉडी वेट ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेटरनल न्यूट्रिशन का इफेक्ट उस इन्फेंट को जो है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एडल्टहुड फेस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेटरनल न्यूट्रिशन जो है वो फीटल के जीनोम को चेंज कर रहा है। अब वो जीनोम जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है आगे जाके, वो जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी डेवलपमेंटल एडेप्टेशंस के उस बच्चे की बॉडी जो है वो किस तरह से अडेप्ट कर रही है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड स्टिमुलस। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Muntaha? Yes, ma'am. समझ आई है बच्चे? Yes, ma'am. क्या समझ आई है? मैम के जो न्यूट्रिशन, जो मेटरनल न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करती है, मेटरनल न्यूट्रिशन और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ग्रोथ रेट को बॉडी की अफेक्ट करते हैं और जो बेबी को अफेक्ट करते हैं आफ्टर बर्थ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं मेटरनल न्यूट्रिशन में, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है और मेटाबॉलिक सिस्टम आ जाता है। वेरी गुड। अब ये एक और रिसर्च है, ठीक है, और इसमें ये देखा गया है कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन बोथ रिड्यूसेस द प्लेसेंटल फीटल ब्लड फ्लोस एंड रिजल्ट्स इन द स्टंटेड फीटल ग्रोथ। अब इस रिसर्च को डीप डाउन देख लेते हैं कि इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हैं। ये मेजर फाइंडिंग्स हैं और ये अगेन ये जो फ्लो चार्ट है ये इस आर्टिकल से कॉपी किया गया है डिस्कस करने के लिए कि मेटरनल अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन बोथ ऑफ देम लीड्स टू द स्टंटेड ग्रोथ एंड इंक्रीजेस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये वाला जो पॉइंट है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन वाला, आप थोड़ा सा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में जो कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्रेशन था उसमें कवर कर चुके हैं कि बोथ मेटरनल ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन लीड्स टू द चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, तो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फीचर प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंडेंट है मेटरनल न्यूट्रिशन एंड मेटरनल न्यूट्रिशन पे, और फीचर प्रोग्रामिंग की वजह से जो है, चलें इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेटरनल ओवर न्यूट्रिशन जो होगी मींस के मदर जो है वो एक्सेसिव उसका कैलोरिक इनटेक है या फैट इनटेक है या बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द मेटरनल और प्लेसेंटल इट लीड्स टू द फीटल एक्सपोजर टू एक्सेस न्यूट्रिशन, यानी कि फीटस को जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जब जो सराउंडिंग है, हमने ये डिस्कस किया है फीटल प्रोग्रामिंग जो है वो सराउंडिंग पे को डिफाइन करती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो
फीटस में अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का एक्सपोजर होगा फीटल प्रोग्रामिंग की वजह से, हम ये देखेंगे कि जो इन्फेंट्स हैं या तो वो नॉर्मल बर्थ वेट पे होंगे या हाई बर्थ वेट पे, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इज द पॉसिबिलिटी, कि जरूरी नहीं है कि अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो बेबी भी जो है वो ओवर वेट हो, ठीक है, बेबी जो है वो नॉर्मल वेट पे भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आप ये देख, आपको ये पता है कि फीटल प्रोग्रामिंग या एक्सेस न्यूट्रिशन के एक्सपोजर की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी फीटल जीनोम चेंज हो रहा है। अब जब फीटल जीनोम चेंज हो गया तो उसके जीनोम में ये ससेप्टेबिलिटी है कि वो जो है ओबीस हो, और जब वो ओबीस होगा तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ डिफरेंट डिजीजेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि सीवीडी का रिस्क और हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, तो इनका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन जो है इट लीड्स टू द फीटल एक्सपोजर टू द अंडर न्यूट्रिशन, फीटल प्रोग्रामिंग जो है वो रोल प्ले करेगी और बेबी जो है वो लो बर्थ वेट पे होगा, और एट टाइम्स जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं वो जो है वो ओबेसिटी उनमें हो सकती है, चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है, और उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट डिजीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा। अब मुझे ये कौन बताएगा कि लो बर्थ वेट बेबीज को ओबेसिटी कैसे हो सकती है? जी मैम, अभी आपने फीडर प्रोग्रामिंग की बात की थी कि अगर न्यूट्रिएंट एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है या कम है, तो उसकी वजह से जो फीटल जीनोम है उसकी उसके ऊपर हमारा वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसके बाद जो है वो फिजियोलॉजिकली और जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन में चेंज आएगी, जिसकी वजह से फिनोटिपिकली जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की एक्सप्रेशन हो सकती है और जीनोटिपिकली। एक्सेलेंट, ठीक है, वेरी गुड रमीशा। बात वही है बच्चों के, हो सकता है कि फिजिकली वो बच्चा देखने में लो बर्थ वेट हो, लेकिन सिंस उसका फीटल जीनोम जो है वो इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द मेटरनल न्यूट्रिशन, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ उसको ओबेसिटी भी हो सकती है और फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज और सीवीडी ये भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड रमीशा, वेरी वेल एक्सप्लेन। ये वही उसी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, कहने के लिए अंडर न्यूट्रिशन जो है, अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन से हमें समझ नहीं आती कि अंडर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे ओबेसिटी कॉज कर सकता है, तो वही बात है कि वो बेसिकली फीटल जीनोम को चेंज कर रहा है। इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेन को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है, और इसके अलावा डाउन रेगुलेट करती है ग्रोथ को, अर्ली मैच्योरेशन हो सकती है, ऑल्टर्ड बॉडी कॉम्पोजिशन हो सकती है, उस सब की वजह से जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, और ये सारी कंडीशंस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस हैं कि कैसे अंडर न्यूट्रिशन डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकती है। अब ये एक और एविडेंस है, एक और रिसर्च है, और इसमें हम ये देख सकते हैं, फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च इंडिकेट दैट देयर इज एन एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन हाइपरटेंशन एट 6 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है, 6 मंथ्स जो है वो बहुत कम एक एज है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि बेबी को जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, बट वी हैव अ साइंटिफिक एविडेंस कि हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो सकती है एज अर्ली एज 6 मंथ्स ऑफ द एज, ठीक है, और अगेन इसका जो रीजन है वो यही है कि फीटल जीनोम जो है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि 6 मंथ्स ऑफ द एज पे आप देख सकते हैं कि अब उस बच्चे की डाइट में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्ट नहीं ले रहा उस वक्त, क्योंकि 6 मंथ्स ऑफ द एज पे तो ऐसा सच फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन का रीजन क्या है कि वो उसका फीटल जीनोम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिकॉज ऑफ द मेटरनल न्यूट्रिशन। अब जो हम स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज द फीटल प्रोग्रामिंग एंड वैस्कुलर डिसफंक्शन, ठीक
वैस्कुलर डिस्फंक्शन क्या होती है? व्हाट इज वैस्कुलर डिस्फंक्शन? क्या समझ आता है आपको ये? मैम बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग में इश्यू आ जाता है, उसको वैस्कुलर डिस्फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली वैस्कुलर जो है वो रेफर कर रहा है आपके वैस्कुलर सिस्टम यानी वेसल सिस्टम्स को, और फीटल प्रोग्रामिंग का जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है ऑन द वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर डिस्फंक्शन। अब इस पे भी एक रिसर्च हुई भी है और इट वॉज अ कोहॉर्ट स्टडी। देयर वर 15,000 स्वीडिश मेन एंड वुमेन, and this study analyzed the association between reduced fetal growth rate and increased risk of death from ischemic heart disease. Cohort study design वो design होता है जो over a period of time आप observations करते हैं और देखते हैं। अब इस study के according Swedish population के ऊपर ये study की गई, और इसका main aim जो था वो ये था कि ये observe करना था कि जो fetal growth rate है वो कैसे रिलेट करता है विद द रिस्क ऑफ द इस्कीमिया या इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ कैसे रिलेट करता है। तो इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि रिड्यूस्ड फीटल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज करता है रिस्क फ्रॉम द इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या होते हैं ये तो मैंने पूछा ही आपसे। व्हाट इज इस्कीमिया? मैम बॉडी है किसी ऑर्गन में अगर जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे जहाँ पे ब्लड की कमी होती है वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस्कीमिया इज डेथ ऑफ एन ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन की डेथ एंड क्लॉट बनने की वजह से जो है। जिस टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से एक टिश्यू की एक पार्ट ऑफ हार्ट की डेथ हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम क्यों हो रही है? मैम क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से क्लॉट बन जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वैस्कुलर सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, और आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो डाउन होती हैं, और फिर इसके बाद वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी और इस्कीमिया होगा। ठीक है, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज रेफर्स टू द हार्ट प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉज्ड बाय द नैरो हार्ट आर्टरीज। और अब आपको ये बेसिकली इसलिए डेफिनेशन डिस्कस किए ताकि आप ये रिलेट कर सकें कि एक्चुअली इस रिसर्च में क्या हो रहा है, कि हमने ये देखा है कि फीटल ग्रोथ रेट जो है वो कैसे वैस्कुलर फंक्शन को इम्पेयर कर रहा है और उसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है। वैस्कुलर प्रोग्रामिंग ऑफ द फीटस, देयर आर वेरियस न्यूट्रिशनल फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द वैस्कुलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, वैस्कुलर प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि वैस्कुलर सिस्टम का जो जीनोम है या वैस्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं हम इस रिसर्च में। और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि फीटस जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ले रहा है मदर से। ठीक है, तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी डिपेंडेंट है ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अब देयर आर 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि स्पेशली वैस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं। Number one is the isoflavones. Then we have arginine and ornithine. Arginine or ornithine jo hai, both of them are the types of amino acids. Calcium hai, iron hai, cofactors like folic acid and taurine, and vitamins including vitamin A and D. So all of these 6 nutrients plays an important role in the vascular programming of the fetus. Ab ye as it is aap logon ko yaad hone chahiye kon kon se hain, aapke fingertips pe hone chahiye, theek hai? अब हम देखेंगे कि आर्जिनिन और ऑर्निथिन आगे के साइज में जाके कि ये कैसे वैस्कुलर सिस्टम में की डेवलपमेंट या वैस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एक ओवरव्यू दे दूं कि आर्जिनिन ऑर्निथिन जो है दोनों टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, और अमाइनो एसिड्स जो है वो क्या करते हैं, दे आर यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, बोथ ऑफ द स्टेटसेस
regulates the arginine and ornithine levels in the fetus surrounding. ठीक है, क्योंकि arginine और ornithine फीटस जो है वो अपनी सराउंडिंग से लेगा, तो मदर की डाइट में आर्जिनिन ऑर्निथिन लेवल्स जो हैं वो अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में नहीं होंगे तो वो फीटल प्रोग्रामिंग के ऊपर इफेक्ट करेंगे. इससे पहले कि हम ये देखें कि आर्जिनिन जो है वो, ये तो हमें समझ आ गया कि आर्जिनिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वेस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले कर रहा है. तो अगर हम इसको डिटेल में देखें कि आर्जिनिन ऑर्निथिन कैसे वेस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं, तो आर्जिनिन ऑर्निथिन आर द कॉमन सबस्ट्रेट्स फॉर द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पॉलीएमाइन. अब नाइट्रिक ऑक्साइड और पॉलीएमाइन क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रेगुलेट करता है प्लेसेंटल फीटल ब्लड फ्लोज को और ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू द फीटस. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में. और हम ये बात जानते हैं कि जो ब्लड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द फीटस फ्रॉम मदर. ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन. पॉलीएमाइन्स क्या है? दे रेगुलेट द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन. एंड चेंजेस इन द पॉलीएमाइन लेवल्स हैव बीन एसोसिएटेड विद एजिंग एंड डिजीजेस. तो पॉलीएमाइन्स जो है वो डीएनए सिंथेसिस और सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं. और इसके अलावा अगर पॉलीएमाइन्स जो है वो चेंज होंगे तो दे आर रिलेटेड विद द एजिंग एंड डिजीजेस, उसकी वजह से एजिंग और डिजीजेस हो सकती है. तो अगर मैं समराइज करूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड और पॉलीएमाइन्स क्या है, दे आर द मेजर वैसोडायलेटर्स एंड एंजियोजेनेसिस फैक्टर. नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो मेजर वैसोडायलेटर है और एंजियोजेनेसिस फैक्टर. अब डायलेटर, वैसोडायलेटर क्या होता है? व्हाट इज वैसोडायलेटर? वेरी गुड. ठीक है, जो वेसल्स की डायलेशन को मेंटेन करता है. और एंजियोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक तो इट इज द मेजर वैसोडायलेटर, मींस के वो आपके ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो वेसल्स की डायलेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है. इसके अलावा इट इज एन एंजियोजेनेसिस फैक्टर, इट मींस के जो आपकी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. और पॉलीएमाइन्स जो है दे आर द की रेगुलेटर्स ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ये दो इनके एक इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए माइंड में. ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड और पॉलीएमाइन का सिंथेसिस है ये डिपेंडेंट है आर्जिनिन और ऑर्निथिन के ऊपर जो कि अमाइनो एसिड्स हैं. अब एक रिसर्च हुई थी और इसमें देखा गया कि जो ओवर न्यूट्रिशन है यानी जो ओबीस सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च हुई थी और देखा गया था वो ओबीस सब्जेक्ट जिनमें एलडीएल और हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की स्टेट जो है वो प्रेजेंट है, इट लीड्स टू द इम्पेयर्ड प्लेसेंटल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पॉलीएमाइन्स. ठीक है, तो हमारे पास ये एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस, कि ओवर न्यूट्रिशन जो है और स्पेशली जो मदर्स जो है वो ओबीस हैं और हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की स्टेट में हैं उसमें प्लेसेंटल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और पॉलीएमाइन जो है वो इम्पेयर होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा, प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होंगे. मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैटरनल एंड हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इम्पेयर्स द एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया इंक्रीजेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच लीड्स टू द लॉस ऑफ BH4 एंड डेफिशिएंसी ऑफ BH4 रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस NOS. ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस जो है वो इफेक्ट हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है. मैकेनिज्म इसका ये है कि जब हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा होता है और उसकी वजह से BH4 की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है
और ये जो BH4 की डेफिशिएंसी है ये जीन लेवल के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो कि एक एंजाइम है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर रहा है उसके एक्सप्रेशन को ही कम कर देंगे BH4 अगर कम होगा और इसके साथ साथ वो इनएक्टिवेट होगा। Now what is BH4? इसको देख लेते हैं। BH4 is a tetrahydrobiopterin and it naturally occurs. It is a naturally occurring essential cofactor of the arginine. ठीक है? ये body के अंदर जो है वो produce होता है naturally occurring cofactor है for the arginine. यानी arginine एक amino acid है and it has multiple roles in the human biochemistry. और कुछ roles अगर मैं discuss करूँ क्या है? It is an essential cofactor for the nitric oxide synthase. It plays an important role in regulation of normal fetal plasma and amniotic and lanotic fluids. ठीक है, so जो fetal fluids हैं और plasma है उसके अंदर BH4 जो है वो एक important role play कर रहा है और इसके साथ साथ वो nitric oxide synthase जो कि एक enzyme है जो nitric oxide की production में को promote करता है उसमें भी important role play कर रहा है। इसके अलावा BH4 जो है इट इज ऑल्सो कोफैक्टर ऑफ अमाइनो थ्री अमाइनो एसिड इंक्लूडिंग फिनाइलएलानाइन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। डोपामिन और सेरोटोनिन जो है वो दो हार्मोन्स हैं जो के रिलेटेड है विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम और BH4 जो है वो एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर दीज थ्री अमाइनो एसिड। कोफैक्टर मीन्स के वो इसकी सिंथेसिस को में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको एफिशिएंट करेगा फास्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदर देन द रोल विद द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड BH4 जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी को भी इफेक्ट करता है। टारगेट ऑफ रैपामाइसिन MTOR। अब ये जो MTOR है ये भी आप लोग ऑलरेडी फोर्थ लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, फुल फॉर्म MTOR की क्या है? टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। और ये है क्या? इट इज अ प्रोटीन काइनेज व्हिच रेगुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस और ये जो है वो कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को इन रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ फैक्टर्स सेलुलर एनर्जी स्ट्रेस एंड एजिंग एंड MTOR इज ऑल्सो इम्प्लिकेटेड इन डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कि MTOR आप लोगों ने स्टडी किया था विद द एजिंग। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक हमने MTOR से रेलिवेंट देखा है एक तो उसमें कार्सिनोजेनेसिस देखा था, दूसरा हमने उसको देखा था कि वो एजिंग को जो है वो एजिंग को जो है वो एक्सेलरेट करता है। तो अगर हम MTOR को कम करेंगे तो एजिंग भी कम होगा क्योंकि बेसिकली MTOR जो है वो सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के साथ को प्रमोट कर रहा है और उसकी वजह से फिर कैंसर भी हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। ठीक है, ये इसी स्टडी की फाइंडिंग है जिसमें प्लेसेंटल फीटल आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन लेवल्स को रिलेट किया गया है विद द फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So when there is a reduced fetal arginine levels, reduced arginine ornithine transport, plus the maternal undernutrition or overnutrition leads to the decrease in the nitric oxide and decrease in the BH4. अब ये जो जितने भी green boxes हैं, ये सारे role play कर रहे हैं as a cofactor for the supply of the nutrients and oxygen from mother to the fetus. ठीक है, इसमें आप लोगों ने NOS का रोल भी देख लिया है, BH4 का रोल भी देख लिया है, MTOR को भी स्टडी कर लिया है और पोलीएमाइंस को भी देख लिया है। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीड करेंगे टू डिक्रीज इन द प्लेसेंटल एंजियोजेनेसिस एंड ग्रोथ। यानी अगर प्लेसेंटल आर्जिनिन ऑर्निथिन की डेफिशिएंसी होगी तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगा यानी ब्लड वेसल फॉर्मेशन नहीं होगा और उसकी वजह से प्लेसेंटल फीटल ब्लड फ्लोज जो हैं वो इम्पेयर होंगे, इफेक्ट होंगे और एज अ रिजल्ट जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी हिंडर होगी और उसकी वजह से जो ओवरऑल रेड बॉक्स में आप आउटकम देख सकते हैं सब का आउटकम ये है कि जो फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है और वो कम हो रही है। ठीक है, मुझे समझ आ गई आपको इस स्टडी की फाइंडिंग्स। हाँ जी,
यस मैम। चलें मूव ऑन करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फीटल प्रोग्रामिंग। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या आ रही है, ये वाली लाइन बिल्कुल शुरू की स्टडी में देखी थी जो रैट्स के ऊपर हुई थी कि जो मेटरनल न्यूट्रिशन है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस करती है। अब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या है, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है डीएनए के साथ, हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एसिटाइलेशन भी आ जाती है और मिथाइलेशन भी आ जाती है। सही है। डीएनए मिथाइलेशन से क्या होता है कि जीन जो है वो साइलेंट होता है और इसका जो भी मैकेनिज्म है वो ये है कि मिथाइल जो है वो जाके बाइंड कर देगा डीएनए के साथ, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा और डीएनए जीन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अब मैंने इसको डिटेल में नहीं कवर किया क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं जहाँ हमने एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टडी की थी। और ये मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के जो थ्री डिफरेंट चेंजेस हैं वो क्या हैं, और डीएनए मिथाइलेशन से जीन साइलेंट होगा या एक्सप्रेस होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन से जीन साइलेंट होगा या एक्सप्रेस होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये बार बार रिपीट नहीं होंगे आगे जाके। बस सिर्फ यही होगा कि डीएनए की मिथाइलेशन होगी। अब आपको खुद पता होना चाहिए डीएनए मिथाइलेशन होगी तो उसका मतलब है जीन साइलेंट हो रहा है। अच्छा जी, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि डीएनए मिथाइलेशन को कंट्रोल करते हैं और लीड करते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज़ जो कि इंजाइम्स हैं जो कि कैटलाइज कर रहे हैं डीएनए मिथाइलेशन को, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डीएनए मिथाइलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो मेटरनल डाइट है वो ऑल्टर करती है एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनएमटीज इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हमें ये पता है कि मेटरनल डाइट जो है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड दिस, वो ये है कि मेटरनल डाइट बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ डीएनएमटीज को चेंज करती है। और डीएनएमटीज क्या है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज़ एंजाइम्स व्हिच कैटालाइजेस द डीएनए मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन से भी जीन साइलेंसिंग होती है। ठीक है, एसिटाइलेशन से जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल होता है, ओपन होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको बताने चाहिए। तो ओपन स्ट्रक्चर जो है वो जीन को ऑन करता है, जीन एक्सप्रेस होता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और एसिटाइलेशन की वजह से स्ट्रक्चर ओपन होता है, डीएसिटाइलेशन की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है और जीन्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। इफेक्ट ऑफ डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन ऑन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि डीएनए मिथाइलेशन से और एसिटाइलेशन से जीन के एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है। डीएनए मिथाइलेशन से जीन साइलेंट होता है और हिस्टोन एसिटाइलेशन से जीन एक्सप्रेस होता है, जीन टर्न ऑन होता है। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि डीएनए मिथाइलेशन जो है वो मॉड्यूलेट करती है मिथाइल सेंसिटिव डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को और फिर उसकी वजह से क्रोमेटिन कॉन्फॉर्मेशन चेंज होती है। ठीक है, क्रोमेटिन कॉन्फॉर्मेशन मीन्स जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा और ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। हिस्टोन एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जो है वो भी जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है और कैसे करती है कि पोजिशनिंग ऑफ डी हिस्टोन और डीएनए इंटरैक्शंस जो हैं वो चेंज होते हैं, एफिनिटी फॉर डी हिस्टोन बाइंडिंग टू द डीएनए वो इफेक्ट होती है, देयर बाय इट अफेक्ट्स दी जीन एक्सप्रेशन। ये एक एविडेंस है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि डीएनए मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं और मैकेनिज्म क्या है वो अब आप लोगों के सामने एज इट इज है। ठीक है, या अब आप लोग खुद ही इसको समझ लेना और देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट ऑफ मेथियोनीन डेफिशिएंसी। हम लोग बात कर रहे थे मेटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर मदर की डाइट में मेथियोनीन की डेफिशिएंसी हो, मेथियोनीन क्या है, इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर अगेन एक रिसर्च है जो कि मेथियोनीन के ऊपर हुई हुई है और उसमें ये देखा गया है कि व्हेन देयर इज अ मेथियोनीन डेफिशिएंसी
mark reduction in the genomic DNA methylation, it has been associated with the mark reduction in the DNA methylation. यानी कि डीएनए की मिथाइलेशन में कम डीएनए की मिथाइलेशन कम होगी और इसकी वजह से नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्मली साइलेंट पेटर्नल H19 एलील ये एक्सप्रेस होगा. अगर मदर की डाइट में मेथियोनीन की डेफिशिएंसी हो तो एक तो डीएनए की मिथाइलेशन जो है वो कम होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मली H19 एलील जो कि साइलेंट होता है वो आगे जाके ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा और ये जो H19 एलील है इट इज रिलेटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ IGF-2. अभी IGF-2 क्या है, इट इज द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. इसके अलावा क्या चेंजेस आएंगे कि हिस्टोन की एसिटाइलेशन होगी इन द पोस्टनेटल रैट लिवर, यानी जो रैट लिवर है उसके अंदर भी हिस्टोन्स की एसिडाइलेशन हो रही है. तो ये बेसिकली डिस्कस किया है कि जीन लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे अगर मेथियोनीन की डेफिशिएंसी हो. तो ये 3 डिफरेंट चेंजेस हैं, एक ये कि डीएनए मिथाइलेशन कम हो रही है, H19 एलील जो कि नॉर्मली साइलेंट है वो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा और हिस्टोन की एसिडाइलेशन भी ज़्यादा होगी. आप लोग को लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो ट्यूमर सप्रेसर्स हैं ये वो जीन्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, जैसे P27 आप लोगों ने स्टडी किया था, इसी तरह आज हम P53 को स्टडी करेंगे. ठीक है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो बेसिकली दे आर नोन एज द जीनोम गार्डियंस. ठीक है, क्योंकि ये जीन्स जो है वो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे होते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं. So P53 is a tumor suppressor gene and it is also known as a genome guardian. अब ये tumor को कैसे suppress करता है, इसका mechanism क्या है उसको देख लेते हैं कि जो P53 gene है tumor suppressor gene, ये cell cycle को regulate करता है, cell progression को भी regulate करता है और apoptosis को भी regulate करता है. तो अगर जब DNA damage हो तो P53 जो है वो इंड्यूस होता है, यानी P53 का एक्सप्रेशन जो है वो इंड्यूस होता है और P53 पे क्या करता है कि एक्टिवेट्स द सेल साइकिल इनहिबिटरी जीन P21 एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो एपोप्टोटिक जीन्स. इसको आप इस फ्लो चार्ट से समझ लें. ठीक है, जब DNA डैमेज हुआ तो आपकी बॉडी ने P53 के एक्सप्रेशन को इंड्यूस किया. P53 क्या है, इट इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी ये ट्यूमर को सप्रेस करेगा, ट्यूमर की प्रोग्रेशन को सप्रेस करता है. अब ये कैसे सप्रेस करता है, ये दो तरह से करता है. एक तो ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है. अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी ट्यूमर सेल्स का अपोप्टोसिस होगा. और इसके अलावा ये जो P21 है इसके एक्सप्रेशन, P21 अगेन हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है और P21 का एक्सप्रेशन जो है वो P53 पे डिपेंडेंट है. जब P53 एक्सप्रेस होगा तो वो P21 को एक्सप्रेस करेगा. अब P21 क्या करेगा, वो सेल साइकिल अरेस्ट करता है, यानी कि सेल साइकिल को इनहिबिट करता है. इस तरह से ये दोनों ट्यूमर केस को सप्रेस करते हैं और ट्यूमर प्रोग्रेशन को हिंडर करते हैं. तो अगर मैं समराइज करूँ, हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि मेटर्नल न्यूट्रिशन जो है वो एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आती है. और अगर मैं आपसे मैकेनिज्म पूछूं कि कौन सा एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, तो हमने ये देखा था कि जो मेटर्नल न्यूट्रिशन है वो DNMTs के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से फीटल प्रोग्रामिंग और एडल्ट प्रोग्रामिंग में चेंजेस आते हैं. और अब ये एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए. दे आर द स्टेबल ऑल्ट्रेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन थ्रू कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ DNA एंड कोर हिस्टोन, यानी कि DNA में और हिस्टोन्स में कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस आते हैं. जैसे DNA में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, हिस्टोन में भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है और एसिटाइल ग्रुप ऐड हो सकता है और उसकी वजह से फिर आगे चेंजेस आ सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ में. ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है बच्चों, समझ आई है लेक्चर की? यस मैम, समझ तो आ गया मगर लेक्चर बहुत लेंथी है. मैम जरा लेंथी है, समझ आ गया. चलो ठीक है.
ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना तो और समझ आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसमें डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो ऐड की गई हैं इन सपोर्ट ऑफ द टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक हमारा ये है कि मेटरनल न्यूट्रिशन जो है वो फीटल जीनोम को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको माइंड में रख के जब आप रिसर्च वाइज इस टॉपिक को कवर करोगे, इस लेक्चर को कवर करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। और दूसरा, मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कहती हूँ कि अपने नोट्स बनाओ, जब आप अपने नोट्स बना लोगे तो ये पूरा लेक्चर जो है वो सिर्फ एक पेज का है। ठीक है, टेराटोजेंस की बात करते हैं। टेराटोजेंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम मेटरनल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वहाँ टेराटोजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि टेराटोजेंस क्या होते हैं, व्हाट आर टेराटोजेंस? मैम जो भी चीज जो है वो डिफेक्ट कॉज करती है बर्थ के टाइम, जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, टॉक्सिन या इवन न्यूट्रिएंट हो सकता है जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है। ये लाइन मैंने शुरू में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जो न्यूट्रिशनल इंसल्ट है, न्यूट्रिशनल इंसल्ट में लीव अ परमानेंट मेमोरी थ्रू आउट दी लाइफ। सो हम टेराटोजेंस आगे डिस्कस करेंगे। टेराटोजेंस जो है वो एक एग्जाम्पल है स्टेटमेंट की, टेराटोजेंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं फीटस के अंदर। ठीक है, ठीक है, टेराटोजेंस क्या है? दे आर द एनी सब्सटेंस व्हिच कॉजेस द बर्थ डिफेक्ट। इट इज एन एजेंट और अ फैक्टर व्हिच कॉजेस मैलफॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। Keratogens are classified into four types. We have physical agents, जिसमें radiations आ जाती हैं, metabolic conditions, maternal infections, drugs and chemicals. So yeah, ये जरूर आपको बताने चाहिए। इसके अलावा keratogens जो है वो basically Greek word teratos से जो है वो originate हुआ है, और teratos का meaning है monster. ये एग्जाम्पल्स हैं टेराटोजेंस की, रेडिएशन, अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीटस को अफेक्ट कर रही हैं, फीटल जीनोम को अफेक्ट कर रही हैं और उससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ द प्रूवन टेराटोजेंस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक केयर शुड बी टेकन वाइल कंसीडरिंग द फॉलोइंग टेराटोजेंस। और इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि सेडेटिव हाइपोनोटिक्स ड्रग हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं, अल्कोहल है, एंटी कन्वर्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। तो केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाइल कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स। इसके अलावा ये एज इट इज एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आई नो यार टॉपिक आप ऑलरेडी आपको आइडिया है इसके बारे में। हम डिस्कस कर लेते हैं रुबेला को। ठीक है, रुबेला जो है वो एक वायरस है जिसकी वजह से जर्मन मीजल्स होते हैं। सो इफ मदर इज इन्फेक्टेड विद अ रुबेला वायरस, उसकी वजह से फीटस में चेंजेस आते हैं और कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम CRS ये होता है। तो रुबेला वायरस जो है इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्फेक्टिव टेराटोजेन, और अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुबेला वायरस से इन्फेक्ट हो रही है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि बेबी में CRS विच इज कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम इसके होने के चांसेस है। अब रुबेला सिंड्रोम क्या है? इसमें जो है वो कैटरैक्ट ग्लॉकोमा हो सकता है, कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफनेस हो सकती है, टूथ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे परमानेंट इफेक्ट हैं जो के हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रुबेला वायरस। ठीक है, या आप देख सकते हैं कि स्किन में चेंजेस आ रहे हैं और इन्फेक्शन हो सकती है फ्रॉम द ड्रग यूज। इसके अलावा इट आल्सो अफेक्ट्स द ऑर्गन्स, और आप ये देख सकते हैं कि बेबी जो है इसके अपर लिम्स जो हैं वो नेगेटिवली या प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, और इसका रीजन जो है वो फीटल वॉरफेरिन सिंड्रोम। अगेन ये एक वॉरफेरिन जो है वो एक ड्रग है, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ब्लड थिनिंग ड्रग है। तो
तो अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वारफेरिन कंज्यूम करती है तो उसकी वजह से फीटल वारफेरिन सिंड्रोम हो सकता है. और अगेन ये जो वारफेरिन सिंड्रोम है इसमें परमानेंट फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि सेडल